फुरकान अंसारी जो हैं परिसर से निकल रहे थे, एक एडवांस पायलट गाड़ी जो है वो आ रही थी, यही वो एडवांस पायलट गाड़ी है आप देख सकते हैं। और फुरकान अंसारी को जो है एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है, तुरंत उनका जो बेटे हैं इरफान अंसारी वो बाहर आए हैं और वो भी साथ में अस्पताल गए हैं। फुरकान अंसारी जो हैं वो घायल हो गए हैं, वो बेहोश हो गए हैं, जिसके बाद जो है उनको आनंद फानंद में अस्पताल जो है ले जाया गया है। ये जो घटना है काफ़ी दुखद है, क्योंकि फुरकान अंसारी जो है वो निकल रहा था, आप देख सकते हैं कि इरफान अंसारी जो हैं वो निकल रहे हैं अस्पताल के लिए और फुरकान अंसारी को जो है अस्पताल ले जाया गया है। और ये जो घटना हुई है, ये घटना जो है आप देख सकते हैं, वो एक सडन शॉक तो किसी के साथ हो सकता है। क्या मतलब, क्या होश में है? वाइटल्स मैंने पल्स देखा, पल्स ठीक चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे खड़े खड़े बस वही हम लोग देख सकते थे, पल्स ठीक था, होश हवास में थे और कमांड जो भी बातचीत हो रही थी उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे। क्या चोट भी लगी हमको? अंदरूनी चोट देखने से तो नहीं पता चल रहा, लेकिन हाथ में थोड़ा कट आया है और ब्लड हल्का आ रहा था। अभी स्थिति कैसी है यहाँ पे? देखने से तो ठीक ही है, अब जब तक पूरा इवेल्यूएशन नहीं हो जाएगा कहना मुश्किल है। बिल्कुल, तो फुरकान अंसारी जो हैं वो उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल डॉक्टर का कहना है कि स्थिति अभी थोड़ी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो एक दुखद हादसा जो है आज विधानसभा परिसर में देखने को मिला। सभी प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस रांची।